हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं स्विमिंग से आई हूँ एंड ये ड्रेस थी पड़ी हुई तो मैंने इसी को पहन लिया। अदरवाइज़ मैं कुर्ते या लेगिंग्स लेके ही नहीं जाती वहाँ पे, मतलब वहाँ पे नहाने के बाद पहनने के लिए, क्योंकि गीले में लेगिंग चढ़ती ही नहीं है। पर मैं चलो इसको अभी धोने के लिए डाल देंगे इसके बाद, चलो इसलिए मैं लेके चलेगी। एंड मैं अभी आके स्विमिंग से करने के बाद इतनी थकान होती है, ऐसा लगता है कोई चाय बना के दे दे, कुछ खाने के लिए दे दिए, तो मेरी अभी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है। एंड आदित्य बोल रहा है कि उसको कुछ खाना है। कल हम लोग जो है वापस स्विमिंग से आते टाइम ना वो सुपरमार्केट में गए थे, तो सुपरमार्केट से उसको कुछ चिकन नगेट्स के कुछ चिकन पॉपकॉर्न्स कुछ नींद भी आ रही है पैकेट वहाँ पड़े हुए थे, तो बोला था लो लो करके। एंड अभी सता रहे हैं मम्मी मेरे को दो 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 करके, मैं बोल दो मिनट मेरे को दे दे भाई, दो मिनट मुझे रेस्ट करने दे और उसके बाद मैं बना के देती हूँ करके। तो मुझे इतनी थकान हो रही है, अभी तेल लगान तेल वहाँ पे चढ़ाना पड़ेगा, डीप फ्राई करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। हाँ तो चलिए कर लेती हूँ। एंड दो दिन से पता नहीं क्यों इतना बिजी चल रहा है शेड्यूल, बहुत बिजी चल रहा है, क्योंकि बैंक से रिलेटेड मुझे कुछ काम थे तो मैं भी घूम रही थी। उसके बाद बैंक वाले भी घर आए थे, कुछ स्कीम वीम थी उनकी उसको एक्सप्लेन करने के लिए। एंड आदित्य की प्रिंटर की वजह से जोरों शोरों से इतनी प्रैक्टिस चल रही है एंड आई एम ग्लैड, सो ग्लैड। मतलब उनके जो बीच में एग्ज़ाम हुए थे उसका तो पेपर नहीं मिला, आई मीन उसको तो चेकिंग करके नहीं दिया, लेकिन आज एक और एग्ज़ाम हुआ था जिसमें उससे पहले उसको कितने हाँ जो मेन पेपर था उसमें हिंदी में उसके 40 में से कुछ 10 आए, 10 मार्क्स आए थे। लेकिन जब से प्रिंटर आया उसके बाद उसका री एग्ज़ाम हुआ है, मैंने सब कुछ उसको पढ़ाया, सब कुछ किया और उसको सारी कॉपीज निकाल निकाल के दी, बना के दिया पेपर जैसा आता है। एंड उसके कितने आए बताओ, गेस करोगे? 12 में से ही गॉट 11, सो देर इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट। आई एम सो हैप्पी कि मैं इतनी मेहनत कर रही थी उसको किसी ना किसी एंगल में वो समझे क्या है, कॉन्सेप्ट मुझे सब समझ में आ रहा था, लेकिन जहाँ पे पन्ना वहाँ पे जो अलग हुआ ना वहाँ पे सब कुछ गुड़गोबर हो रहा था। तो फाइनली ही इज़ ऑन ट्रैक एंड आई एम ग्लैड। एंड अभी जो मैंने ग्रिप पकड़ा है उसका, तो वो मेरे को अभी कम से कम एक महीने तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी हम सोचते हैं चलो बच्चे ने अभी ना ग्रिप पकड़ लिया है अब उसको पढ़ने देते हैं, फिर वो एडवांटेज ले लेते हैं बच्चे उसका। तो अभी वो थोड़ा ट्रैक में आ रहा है धीरे धीरे, तो अभी एक महीने जब उसको कंटिन्यू मैं ऐसे ही रखूँगी तो उसको आदत पड़ जाएगी कि इसी पैटर्न को ही फॉलो करना है। और जब भी क्लास में कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो मैं उसका पेपर निकाल रही हूँ, क्वेश्चन पेपर बना के, और उसको पहले याद करने के लिए बोल रही हूँ और पूरा लिखने के लिए बोल रही हूँ। तो अभी उसका पढ़ने में भी उसकी जो प्रोनंसिएशन है हिंदी की इंग्लिश की वो भी इम्प्रूव हुई है। एंड ऑल इन ऑल एवरीथिंग इज़ इम्प्रूविंग बिकॉज ऑफ दिस प्रिंटर, आई मीन एक प्रिंटर की वजह से आप सोचेंगे कैसे, लेकिन जिस हिसाब से मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ दैट इज़ वेरी मच वर्किंग। तो अगर हो पाए कभी तो मैं शेयर करूँगी। अभी मैं आपको जब प्रिंटर का रिव्यू दूँगी तब उसमें आपको पेपर्स भी दिखाऊँगी, वो वीडियो कब जाएगा पता नहीं, आई मीन शूट करना है उसका, तो जब भी होगा मैं शेयर करूँगी। अभी चलो उसको नगेट्स है कि क्या पगेट्स है वो बना के देती हूँ मैं, और मेरी हालत देखो क्या खस्ता हो रखी है। एंड कुछ लोग जब उन्हें जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था लिप्स वाला बोल रहे थे क्या चेंज है करके, इससे पहले मेरे ये जो नीचे वाले लिप्स थे अगर आपने नोटिस किया है कि नहीं, देखिए इसमें लाइट पीच कलर या पिंकिश कलर है, जो पहले ऐसा नहीं था, एकदम सफ़ेद रहते थे मेरे होंठ, सफ़ेद जैसे कोई बीमारी हो रखी हो, वैसे बीमारी नहीं थी लेकिन हो गए थे ऐसे। एंड जो आपको ऊपर दाग दिख रहे हैं ना, जब कुछ दिन पहले मैंने बेला वोस्टो की 18 लिपस्टिक एक के बाद दो घंटे लगा के मतलब पूरी लगा के आप लोग के लिए वीडियो बनाया था, तो लगातार लगा के मिटाने की वजह से ये पूरा छिल गया था बुरी तरह। और उस टाइम पे मैंने वीडियो भी नहीं शूट किया, ना मैं खाना खा पा रही थी ना कुछ भी कर पा रही थी, क्योंकि ऐसे फट गया था यहाँ पे कि मैं आ करूँ तो दर्द करे, स्माइल करूँ तो दर्द करे,
एंड बहुत बुरी हालत हो गई थी। इतना मैंने जो है यही नमिया का जो क्रीम है इतना लगाया है कि अब एक शेप में है। देखो यहाँ से भी ऐसा हो गया था। तो जब ज़्यादा क्या बोलते हैं घिस देते हैं ना हम लोग कभी कभी, तो उसकी वजह से हो जाता है ऐसे। चलो अभी करते हैं काम। आयशा चिकन पॉप्स पीरी 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 ऐसे वाले आएंगे। चुपी लड़की चुपी चुपी चुरो चुरो मर ये देखो अभी मैंने डीप से निकाला है एंड तेल गरम हो रहा है इसमें एंड आज घर खंडर बना हुआ है। कपड़े फोल्ड करने हैं, सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है, बहुत कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, बहुत मैसी हो रखा है अभी। आज ये नया वाला चिमटा यूज़ कर रही हूँ, मैं इतने दिन से यूज़ नहीं किया था। तो देखो ऐसे पकड़ सकते हैं, तो सिम में ही पकाना बेटर है, अदरवाइज अंदर से जो है फ्राई नहीं होगा पूरा। हाँ ये चिकन है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो चिकन के पकोड़े हैं अपनी लैंग्वेज में बोला जाए तो बन चुके हैं। तो इस कलर में जब आ जाएंगे तभी आप निकालें एंड सिम में ही पकाएं इसको। अगर फुल गैस पे पका देंगे तो सही से अंदर से नहीं पकेंगे तो आपको कच्चापन लगेगा। तो सिंपल सी मतलब रेसिपी क्या है, रेडीमेड है, कभी कभी ओकेजनली आप ले सकते हैं। तो ये वाला मैंने जो है पहली बार ख़रीदा है यहाँ सुपर मार्केट से, इससे पहले मम्मी के घर पर एक बार खाया था। अदरवाइज़ मैं घर में ही कुछ ना कुछ उन लोग को बना के देती रहती हूँ एंड जब भी वो लोग बनाने के लिए बोलते हैं वो एक मतलब एकदम इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है कि ये खाना है या वो खाना है, तब मैं बनाती हूँ तो इसलिए शूट नहीं कर पाती हूँ। बट ये आज डायरेक्ट बना रही थी इसलिए मतलब फ्राई करना था इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। एंड फिशेस को तो शायद मैंने आपको दिखा दिया, जितनी भी फिशेस थी थोड़ा बहुत और डेकोरेट किया था अंदर तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो डेकोरेशन के लिए इतने सारे जो है आइटम्स लेके आए थे, तो वो सारे लेके तो आए थे, बाद में हम लोगों ने सोचा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है करके बाकी सब निकाल दिया, थोड़े बहुत ही रखे। एंड दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पे मैं बना रही हूँ ओट्स एंड सूजी के डोसे जो काफ़ी डिलीशियस एंड काफ़ी हेल्दी है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम जा रहे हैं मूवी के लिए। तेलुगु के जो सुपरस्टार है अकिनेनी नागार्जुन, उनकी मूवी आई है तो कैसी है देखेंगे, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो इस मूवी में काम कर रहे हैं। सो इस मूवी में नागार्जुन को एक 30 साल के लड़के की तरह पूरा मतलब दिखाया गया है। अब वो इस मूवी में 30 साल के लड़के की तरह दिखते हैं या कुछ और दिखते हैं वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड ये रहा आदित्य पीछे बैठा, एक्चुअली मैं पीछे बैठने वाली थी लेकिन जैसे ही घर से भागा दौड़ी करके आते ना तो पसीना बहुत आ जाते हैं, वो ऐसी चलेगा तो डायरेक्ट हवा लगती है, पीछे बैठने से डायरेक्ट हवा नहीं लगती है। एंड ये रहा अभिषेक, अभिषेक वेयर आर यू गोइंग? व्हिच सिनेमा? मनमधुरु 2, इट इज मनमधुरु 2। सो लेट्स गो एंड एंजॉय द मूवी। और मैंने ये वाला कुर्ता पहना है जो हैदराबाद में खरीदा, काफी अच्छा लग रहा है एंड फेस भी काफी अच्छा लग रहा है। मेकअप तो कुछ किया नहीं है, बस अपनी एक मॉइस्चराइजर लगाया और पाउडर लगाया और कुछ भी नहीं लगाया एंड लिपस्टिक एंड काजल, मस्कारा वस्कारा भी कुछ नहीं लगाया। टाइम हो रहा था बच्चों को रेडी करते करते एंड अभिषेक जो है इसको जब तक बाहर जा रहे पैंट नहीं पहनाते हैं तो मानता ही नहीं है, हमेशा बोलता है पैंट पहननी है पैंट पहननी है, और इसको किसी ना किसी एंगल में कन्वेंस करना पड़ता है क्योंकि बारिश के टाइम पे भी पैंट पहनूंगा बोलता है।
मैंने उसको बोला कि पैंट पहनने से गीला हो जाएगा कि बारिश आ रही है, तब ही अंडरस्टूड फ्यू डेज बैक, और उसने मतलब ठीक है बोला, लेकिन अभी नहीं मान रहा था। बोला कि चलो पहना देते हैं, पहनाना भी इजी है और निकालना भी इजी है, पैंट को तो इनको लटकाना पड़ता है उल्टा तब निकलती है पैंट, जीन्स पैंट, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड आदित्य को तो अभी मेरे को कुछ करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप से पहन लेता है, तो थोड़ा बच्चे जब बड़े होते रहते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी कम रहती है, लेकिन मेमोरीज तो हमेशा रही जाती है कि बच्चे ऐसे करते थे ना या वैसे करते थे। सो थिंग्स टू चेरिश। हेलो, तो हम लोग मूवी देख के आ चुके हैं, तो मूवी एक फ्लो में पूरी शुरू हो गई, ख़त्म हो गई, लाइक कॉमेडी बहुत ज़्यादा थी। एंड इससे पहले जो मनमधुरी थी उसके कुछ पंचेस को इधर इस वाले में एक कंटिन्यूशन दिया था कि वहाँ पे किसी एक को पंच लगाया तो यहाँ पे उसका वाइस वर्सा हुआ है, तो उस टाइम में तो कॉमेडी वैसे काफ़ी अच्छी थी। तो अगर आपने भी नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, एंड आप लोग भी मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। कॉमेडी तो ज़बरदस्त है, कॉमेडी तो बहुत सारी है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं घर, एंड गाड़ी भी पार्क कर चुकी है। ओए लाइट अभी जाओ। सो चलिए अब कल सुबह मिलते हैं, आज की रात यहीं पे समाप्त मूवी के साथ। सी यू टुमारो। सो दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग, जो कि मेरे हस्बैंड से एंट्री शुरू हो रही है। तो बहुत लोगों ने बोला कि आप जब आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं यूनिफॉर्म में तब दिखाइए, तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देते, क्योंकि मैं रिवील कैसे भी कर ही चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड की ऑक्यूपेशन क्या है। तो इसलिए क्योंकि आप लोग की रिक्वेस्ट थी इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा शूट कर दिया। तो ये थोड़ा सा वर्दी में बहुत ही स्टिफ स्टिफ मतलब वीडियो निकालना है, तो बोलते तो क्या नहीं ऐसे ऐसे करते, फिर भी मैंने थोड़ा निकाला तो ये खड़े हो गए। एंड ऑफिस जाते टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी चलती रहती है, तो इन्होंने नाश्ता वाश्ता कर लिया है, एंड नाश्ता करने के बाद अभी ये निकल रहे हैं। तो चाय पीते पीते मैं पूरे डायरी जो भी ये लेके जाते हैं, डायरी कैप फ़ोन सब पकड़ के रहती हूँ, क्योंकि बूट वूट भी पहनने होते हैं इसलिए। तो वो सब हो चुका है, तो अभी बीच में कॉल आया तो फिर मैंने उनको पकड़ाया। तो मेरे ख्याल से सबके घर में ऐसे ही रहता होगा, जब भी हस्बैंड्स जाते हैं मतलब मेनली हाउसवाइफ्स, अगर दोनों एक साथ जाते हैं तो दोनों तो एक साथ निकल सकते हैं, अगर एक यूट्यूबर है मेरी तरह है और दूसरे ऐसे कोई जॉब पर जाते हैं तब तो हस्बैंड को चीज़ें पकड़ाते हैं, एंड दैट ऑल्सो गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग एंड सेटिस्फैक्शन कि हमने भाई पूरा अच्छी तरह रेडी करके हस्बैंड को भेजा है, एंड ऑल मतलब बहुत अच्छा सा एक सेटिस्फेक्शन आता है। एंड कभी भी जब आपके हस्बैंड ऑफिस जाएं या ऑफिस से वापस आएं, उनको आप सेंड ऑफ अच्छा दीजिए बड़े प्यार से, एंड रिसीव भी आने के बाद बहुत अच्छी तरह कीजिए। आपकी कोई भी टेंशन है, आपको किसी वजह से किसी से आपकी अनबन हुई है या कोई झगड़ा हो कुछ भी हो, उसको साइड पर रख के हस्बैंड के साथ जो है सेंड ऑफ एंड रिसीविंग में अच्छा जो है वे रखिए, उससे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह ग्रो होता है, एंड यू विल हैव अ हैप्पी लाइफ। तो मेरे हिसाब से ये मुझे लगा थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें जो मैं फॉलो करती हूँ एंड जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल है, तो मुझे आप लोग के साथ भी शेयर करनी चाहिए, तो वो भी मैंने शेयर कर लिया। एंड अभिषेक जो है अभी भी सो रहा है, वो उठा नहीं है, एंड आज हस्बैंड जो है थोड़ा सा लेट जा रहे हैं ऑफिस, एंड अभी आदित्य भी अभी जस्ट उठ के आया क्योंकि रात को हम मूवी के लिए गए थे एंड आज छुट्टी थी करके, तो अभी जस्ट आया है। तो अंदर जो है अभिषेक को पप्पी देखे आ चुके हैं यहाँ पे, इसको दिए एंड अभी निकल रहे हैं। सो दिस इज़ माय एवरीडे रूटीन, सुबह खाना वाना बनाओ, इन लोग को स्कूल जाना है स्कूल भेजो, ऑफिस जाना है ऑफिस भेजो, एंड अभी हस्बैंड निकल चुके हैं बाहर, एंड यहाँ पे रुक के फिर टाटा बाय बाय कर रहे हैं, और सामने आजू बाजू सारे कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, तो अगर साउंड को ओपन रखा तो बहुत खिटपिट की आवाज़ आएगी। तो अगर मेरी टिप्स थोड़ी बहुत भी आपको अच्छी लगी हूँ, जो भी लाइफ से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड नाउ दिस इज़ इवनिंग टाइम, तो इनकी कैब्स जो भी होती है ये बीच में लगा के बच्चे घूमते रहते हैं, एंड मैं बोल रही थी शेक एंड करो ऑफिसर्स करके, तो वो लोग कर रहे थे, तो बच्चों की मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स ली। सो दिस वाज माय ब्लॉग ऑफ द डे, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक चिपका दीजिए, एंड बेटरमेंट के लिए आपके सजेशंस दीजिए, एंड घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आए। चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।